आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पुलिस की नाक के नीचे जहरीली पनीर का कारोबार। एक तरफ जहां कोरोना महामारी लोगों की जिंदगी निगल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिले में जहरीली पनीर का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जहरीली पनीर कारोबारी के द्वारा पनीर में सल्फर का प्रयोग करते थे, जिससे पनीर में चिकनाहट और पनीर पर शाइनिंग आ जाए, जिससे कि किसी को असली और नकली का फर्क पता ना चले। इतना ही नहीं, ये जहरीला पनीर सिर्फ बस्ती में नहीं बल्कि अन्य ज़िलों में भी सप्लाई की जा रही है। मामला बस्ती ज़िले के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के राजा बाजार सेंट्रल बैंक के बगल में एक कारखाने का है, जो कई सालों से चल रहा था, जिसकी सूचना SOG टीम को मुखबिर के माध्यम से मिली। टीम ने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देते हुए SDM सदर और पुरानी बस्ती पुलिस के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फर्जी पनीर फैक्ट्री से लगभग 15 कुंटल पनीर बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया। महज थाने से कुछ ही दूरी पर जहरीले पनीर का कारोबार चलता रहा और स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वहीं छापेमारी से कुछ देर पहले ही सरगना विष्णु अपने लेबरों को छोड़कर फैक्ट्री से फरार हो गया। इतना ही नहीं, गोदाम में रिफाइंड 12 सिलेंडर, पनीर बनाने वाला पाउडर सहित सल्फर भी मिला, जिसका प्रयोग पनीर बनने में किया जाता था। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पनीर की जगह लोग बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में भी इस व्यापारी द्वारा मौत बांटी जा रही थी। वहीं छापेमारी के दौरान SDM सदर आशाराम ने बताया कि SOG टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई, जिसमें कुल 15 कुंटल के करीब नकली पनीर पकड़ा गया। साथ ही गोदाम में मौजूद 7 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये पुलिस विभाग को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली, तो जिसके आधार पर यहाँ छापा डाला गया है और वो सूचना सही पाई गई है। इनके खिलाफ जो है पूर्व विभाग को बुलाया गया है, कार्रवाई कराई जा रही है। सर, क्या कुछ मात्रा लगभग लग रही है, कितनी मात्रा होगी? काफ़ी मात्रा में है, अब काफ़ी मात्रा में है। क्या कुछ लगता है? कम से कम 10-15 कुंटल के आसपास। सर, क्या जानकारी मिली, कब से ये लोग यहाँ पे इस तरीके से फर्जी पनीर की? तो जाँच का विषय है कि ये कब से हुआ। ये सूचना मिली कि यहाँ ऐसा बनाया जा रहा। मौके पे कितने लोग पकड़े गए हैं, जो कारीगर और? मौके पे 7-8 लोग पकड़े गए। सूचना मिलने पर SDM सदर, SOG की टीम तथा खास सुरक्षा मौसम प्रशासन की टीम ने राजा बाजार पुरानी बस्ती जनपद स्थित नकली पनीर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की, जहां पर लगभग 15 कुंटल के आसपास में पनीर तैयार, जो कि मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा था, बरामद किया है। उसको नष्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है तथा उसका नमूना लेकर के इसके मिल्क पाउडर जो वहां मौके पर जब्त हुआ है तथा जो पनीर तैयार थी उनका नमूना लेकर के जाँच लेकर भेजा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने पर आगे फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।